गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड अवर थर्ड लेसन, प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था. एयर, वाटर एंड लैंड, दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज. उसमें से हमने पहला टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ एयर ये पढ़ लिया था. तो प्रॉपर्टीज ऑफ एयर में हमने पहले पढ़ा था द एयर हैज़ इट्स मास एंड वेट. एयर को मास होता है और वेट होता है. और साथ में ये भी पढ़ लिया था एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एयर जो प्रेशर अप्लाई करती है उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एयर जो भी प्रेशर अप्लाई करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ये सेम होता है ऑल द डायरेक्शन, ईच एंड एवरी डायरेक्शन, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, हर तरफ ये एयर प्रेशर कैसा होता है, सेम होता है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज सेम इन ऑल द डायरेक्शन, ये हमने पढ़ लिया था. अब हम आगे बढ़ेंगे. अब डू यू नो में पढ़ते हैं. देखिए डू यू नो में देखिए क्या है. अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज अबाउट 101,400 न्यूटन्स पर स्क्वायर मीटर. देखिए अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन मतलब सिंपल कंडीशन के वक्त सी लेवल, मतलब जो हमारा सी है, ओशन है, उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 101,400 न्यूटन्स पर स्क्वायर मीटर. इट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ बैरोमीटर. और ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है बैरोमीटर. एज वी गो हायर अबाउ द सी लेवल द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस. तो जैसे जैसे हम सी लेवल के ऊपर जाते हैं, सी की जो लेवल है उससे हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसा वैसा एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है. तो जैसे हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे जैसे अगर हम किसी हिल पे चले गए, माउंटेन पे चढ़ रहे, किसी पहाड़ी पे चढ़ रहे, जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाते हैं हमको सांस लेना मुश्किल हो जाती है, बिकॉज वहाँ पे ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है. देन अभी हमको पढ़ना है ग्रेट साइंटिस्ट के बारे में. तो ग्रेट साइंटिस्ट क्या है. इन 1726 अ स्वीडिश साइंटिस्ट डैनियल बर्नौली पुट फोर्थ द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल दैट द प्रेशर ऑफ द एयर डिक्रीजेस व्हेन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस व्हाइल द प्रेशर ऑफ द एयर इंक्रीजेस व्हेन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस. देखिए स्टूडेंट, फिर से पढ़ता हूँ क्या है. डैनियल बर्नौली का प्रिंसिपल, द प्रेशर ऑफ द एयर डिक्रीजेस. एयर का प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. कब, व्हेन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस. इट्स मीन्स इट किसके लिए यूज़ किया गया है, एयर के लिए. When the velocity of air increases, the pressure of the air decreases. The velocity of air increases मतलब जैसे जैसे, suppose ये है air, ये air अगर fast flow हो रही है, air कैसी flow हो रही है, fast, तो उसका यहाँ का जो air pressure है वो क्या हो जाएगा, decrease हो जाएगा. अगर air fast move हो रही है, air कैसी move हो रही है, fast, if the air is moving fast, इफ़ द एयर इज़ मूविंग फास्ट, तो जैसी जितनी फास्ट एयर मूव होगी, मतलब एयर की वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी, तो जहाँ से वो मूव हो रही है उस पास का जो रीजन है वहाँ का एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा. इसका उल्टा है, अगर एयर धीरे धीरे स्लोली मूव हो रही है, एयर कैसी मूव हो रही है, स्लोली, वेलोसिटी कम है, वेलोसिटी कैसी है, कम है. अगर यहाँ पे वेलोसिटी कम है, स्पीड कम है, तो यहाँ पे एयर प्रेशर ज़्यादा रहेगा. यहाँ पे एयर प्रेशर कैसा है, ज़्यादा. तो देखिए यहाँ पे एयर प्रेशर कम है, इट इज़ लेस, यहाँ पे मैक्सिमम रहेगा. यहाँ पे कैसा रहेगा, यहाँ पे एयर प्रेशर मैक्सिमम है और यहाँ पे एयर प्रेशर लेस है. बिकॉज यहाँ पे ये जो लाइंस मैं बता रहा हूँ, ये देखिए फिर से स्टूडेंट, ये जो लाइंस बता रहा हूँ, यहाँ पे एयर की वेलोसिटी, एयर की स्पीड ज़्यादा है, तो यहाँ पे एयर प्रेशर कम हो जाएगा. और यहाँ पे अगर एयर की वेलोसिटी कम है, एयर
स्लोली मूव हो रही है, एयर कैसी मूव हो रही है, स्लोली मूव हो रही है, तो यहाँ पे एयर का प्रेशर ज़्यादा रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। ये कौन कहता है? बर्नौली प्रिंसिपल कहता है। देन साथ में हो रहा है, इफ़ अ बॉडी इज मूविंग थ्रू एयर द एयर प्रेशर डिक्रीजेस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड देन द एयर इन इट्स सराउंडिंग फ्लोज रैपिडली फ्रॉम हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर। देखिए स्टूडेंट क्या बोला गया है, इफ़ अ बॉडी इज मूविंग थ्रू द एयर, सपोज अब लेते हैं कि यहाँ पे लेता हूँ, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, सपोज कि यहाँ पे एक है, सपोज दिस इज़ रोड, सपोज दिस इज़ रोड है और यहाँ से हमारे सपोज एक कार मूव हो रही है, क्या मूव हो रही है, कार मूव हो रही है, तो कार मूव हो रही है तो क्या होगा, इफ़ अ बॉडी इज़ मूविंग थ्रू एयर, तो ये बॉडी दैट इज़ कार, सपोज एक व्हीकल ले लिया, ये कार मूव हो रही है, द एयर प्रेशर डिक्रीजेस, एयर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस डायरेक्शन में व्हीकल मूव हो रहा है उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब ये वाला डायरेक्शन, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन में हम एयर का प्रेशर कम होते जाएगा। देखिए इफ़ अ बॉडी इज मूविंग थ्रू एयर द एयर प्रेशर डिक्रीजेस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, एयर प्रेशर क्या होगा, कम डिक्रीज हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ऐसा क्यों, तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे अगर हम रोड पे चल रहे हैं, किस पे चल रहे हैं, किसी रोड पे चल रहे हैं, तो जैसे हमारे बाजू से कोई स्पीड से कार जाती है या फिर ट्रक जाता है या फिर बिग व्हीकल जाता है, तो हमको बाजू में ज़ोर से हवा का झटका लगता है, हमको एयर ज़ोर से फील होती है, तो ये किसके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टू है, ये बर्नौलीज प्रिंसिपल की अकॉर्डिंग टू है। आप अगर आपने कभी फील किया होगा, कभी चेक किया होगा, नहीं किया होगा तो आप देख सकते हैं, अगर आप रोड के बाजू से जा रहे और ज़ोर से स्पीड से कोई बाइक वाला आ गया या फिर कोई कार आ गई या फिर कोई ट्रक आ गया, तो आपको आपके आप साइड में रहते हो फिर भी आपको एयर फील होती, ज़ोर से एयर का झटका लगता है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द बर्नौलीज प्रिंसिपल, बिकॉज ये जो है हमारा व्हीकल ये स्ट्रेट मूव करेगा और एयर का प्रेशर रिलीज करेगा हॉरिजॉन्टली, दैट इज़ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एयर का प्रेशर रिलीज करेगा। इफ़ द बॉडी इज मूविंग थ्रू एयर द एयर प्रेशर डिक्रीजेस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड द एयर इन द सराउंडिंग्स फ्लोज रैपिडली फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो यहाँ पे और ये जो सराउंडिंग की जो एयर है ये हायर, इसका जो यहाँ से व्हीकल फास्ट निकल गया तो ये यहाँ पे एयर फास्ट मूव होंगी और उसके बाद स्लोली मूव होते जाएगी। देन है देखिए ऑब्जर्व एंड डिस्कस, अब क्या है ऑब्जर्व एंड डिस्कस है, देखिए ऑब्जर्व एंड डिस्कस में देखिए क्या है, टेक सम वाटर इन अ प्लास्टिक कप and hold a straw upright in it, hold a small piece of another straw near the upper end of the first straw and perpendicular to that straw, blow hard through the small piece of straw, you will see a flow of mountain, why did this happen। तो देखिए स्टूडेंट क्या बोला है, सबसे पहले तो आपको एक प्लास्टिक बॉटल वाटर बॉटल लेना है, उसमें एक प्लास्टिक स्ट्रॉ वर्टिकली खड़ा करना है, देन दूसरा और एक स्ट्रॉ लेना है जिसको हॉरिजॉन्टली रखना है, मतलब क्या करना है ध्यान दीजिए, जैसे आपको बताता हूँ, तो जैसे आपने ये देखिए, ये आपने ये ग्लास बॉटल ले ली है, फिर ये वर्टिकल वाला एक स्ट्रॉ ले लिया है, कौन सा स्ट्रॉ लिया, वर्टिकल वाला, और एक ये हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर वाला एक स्ट्रॉ ले लिया है, फिर ये जो परपेंडिकुलर वाला स्ट्रॉ है, ध्यान दीजिए ये जो हमारा ग्लास है, ग्लास के अंदर क्या है, वाटर है, ग्लास के अंदर क्या है, वाटर है, उसके अंदर आपने एक वर्टिकल स्ट्रॉ डाला है, देन उसके ओपन एंड के बाजू में ही आपने एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रॉ लगाया है, फिर ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रॉ के वन एंड से यहाँ से हमको क्या करना है,
फूक मारनी है। क्या करनी है? फूक मारनी है, एयर ब्लो करनी है। तो एयर ब्लो करेंगी तो वो एयर जैसे जैसे यहाँ से सामने से पास हो जाएगी, ये यहाँ से सामने से जैसी एयर पास हो जाएंगी तो हमको यहाँ पे क्या दिखाई देंगे, ये वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे। तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स क्यों दिखाई देंगे, इसका भी अब हम रीज़न है। तो ध्यान दीजिए इसका रीज़न क्या है, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। तो वाटर ड्रॉपलेट्स हमको क्यों दिखाई देंगे, तो ध्यान दीजिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, देखिए। तो जैसे हमने यहाँ से एयर ब्लो किए, तो देखिए स्टूडेंट, जैसे हमने यहाँ से एयर ब्लो किए, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रॉ से हमने एयर ब्लो किए, तो क्या होगा, जैसे जैसे ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रॉ से, ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रॉ से हमने एयर ब्लो किए, तो यहाँ की जो एयर है ये आगे चली जाएगी, यहाँ की जो एयर है क्या हो जाएगी, आगे चली जाएगी। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, मैं फिर से बता रहा हूँ अच्छे से। तो देखिए स्टूडेंट, फिर से बता रहा हूँ, जैसे यहाँ से अगर हमने एयर ब्लो की, यहाँ से क्या की, एयर ब्लो की, तो जैसे जैसे यहाँ से एयर ब्लो करेंगे तो यहाँ पे जो एयर प्रेजेंट है वो आगे चली जाएगी, बिकॉज ऑफ ब्लो ऑफ एयर, स्पीड, वेलोसिटी ऑफ एयर, एयर की स्पीड की वजह से। तो यहाँ पे जो एयर का जो प्रेशर था, यहाँ पे जो एयर का प्रेशर था वो डिक्रीज़ हो गया, वो क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया, यहाँ पे जो एयर का प्रेशर है डिक्रीज़ हो गया। और हमने क्या पढ़ा है कि एयर का प्रेशर हर तरफ सेम होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ सेम इन ऑल डायरेक्शन, लेकिन यहाँ पे एयर का प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, बिकॉज जैसे हम वर्ट ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रॉ से हमने एयर ब्लो कर दी तो यहाँ का प्रेशर डिक्रीज़ हो गया, तो लेकिन नीचे का प्रेशर एज इट इज़ जैसा का वैसा है। तो ऊपर का एयर प्रेशर डिक्रीज़ हो गया तो नीचे का एयर प्रेशर ज़्यादा है, तो ये एयर प्रेशर ऊपर वाटर को ढकेलेगा, ये नीचे का जो एयर प्रेशर है ऊपर वाटर को क्या करेगा, ऊपर ढकेलने की कोशिश करेगा, इसलिए यहाँ पे हमको वाटर ड्रॉपलेट्स नज़र आएंगे। क्या नज़र आएंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स। देखिए वही एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट पैराग्राफ में है, On blowing through the straw, the air at its open end is pushed away and hence the pressure at the opening goes down. तो जैसे जैसे अपने यहाँ से एयर ब्लो की, ऊपर ये ऊपर एंड का प्रेशर लेस हो गया, as the pressure of the air near the upper end of the erect straw become less, the atmosphere pressure, the water in the cup is pushed from where the pressure is higher to where it is lower. तो ध्यान दीजिए, जैसे ही ऊपर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया तो ये नीचे का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो ज़्यादा है वो ऊपर यहाँ पे फिर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इक्वल करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर जाएगा तो वो स्ट्रॉ में से भी वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर चले आएंगे, दैट इज़ वाई। तो देखिए क्या है, दैट इज़ द अपवर्ड डायरेक्शन एंड द वाटर्स कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ फाउंटेन। तो जैसे ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर नीचे से हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक जाएगा तो हमको वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर नज़र आते हुए नज़र आएंगे। तो द फोर्सफुली यू ब्लो द हायर विल बी द फाउंटेन। आप जितने ज़ोर से ब्लो करोगे उतना ज़्यादा आपको यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स, दैट इज़ वाटर फाउंटेन नज़र आएगा। तो दिस स्ट्रॉ फाउंटेन वर्क्स ऑन बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो ये जो स्ट्रॉ है किसके, ये जो फाउंटेन हमको नज़र आ रहा है कौन से प्रिंसिपल पे नज़र आ रहा है, बर्नौलीज प्रिंसिपल, बिकॉज हमने यहाँ से डायरेक्शन दे दी, यहाँ से ये जो है यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डायरेक्शन दे दी यहाँ से, ठीक है, और फिर इस यहाँ पे एयर फ्लो होना स्टार्ट हो गया, यहाँ से ऐसी एयर फ्लो होना स्टार्ट हो गया, दिस इज बर्नौलीज प्रिंसिपल। देन साथ में और है, व्हेन देयर एग्जिस्ट अ डिफरेंस बिटवीन
द एयर प्रेशर इन टू डिफरेंट प्लेसेस द एयर स्टार्ट्स फ्लोइंग द एयर स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर. ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट पॉइंट. अगर दो प्लेसेस है, दो प्लेसेस है मतलब दो जगह है, और जहाँ पे एयर का एयर प्रेशर का डिफरेंस है, मतलब एयर एक तरफ एयर प्रेशर ज़्यादा है, दूसरी तरफ एयर प्रेशर कम है, तो एयर कैसी फ्लो करेगी? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. ऑलवेज रिमेंबर दैट स्टूडेंट्स, द एयर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. ये यहाँ पे लिखा ही है स्टूडेंट्स, देखिए आप देख सकते हैं, द एयर स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. एट सच टाइम्स वी फील ब्रीज एंड विंड ब्लोइंग. तो जब ये एयर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो होती है तो हमको विंड हमको फील होती है. तो जैसे आप लोगों ने देखा, जैसे अभी ठंडी का मॉनसून का सीज़न है, जब हवा चलती है तो हमको विंड फील होती है, या फिर जब विंटर का सीज़न होता है तब भी हमको विंड फील होती है. दिस डज द विंड आर द इफेक्ट ऑफ डिफरेंस इन प्रेशर एयर प्रेशर. तो ये जो विंड है, ये जो हमको हवा के जो झोंके लगते हैं, ये किसके वजह से है? दैट इज़ इफेक्ट ऑफ डिफरेंस इन एयर प्रेशर. एयर प्रेशर में जो डिफरेंस है, एक तरफ हाई प्रेशर दूसरी तरफ लो प्रेशर, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर तो एयर ब्लो हो रही है, एयर फ्लो होती है, तो इसको हम कहेंगे डिफरेंस इन एयर प्रेशर. इसके वजह से हमको विंड फील होती है. आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, बाकी का हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे. थैंक यू.